बउआ पी के हो का? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के साथ आने वाले हर नेता को आज इसी सवाल का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि मौका परस्त और बरसाती मेढक का पर्याय बन चुके पीके अब और नेताओं को भी पीके ही समझने लगे हैं। हालिया उदाहरण है तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव, जिन्हें प्रशांत किशोर की स्कीम ने अपने मायाजाल में फंसा लिया है और वो खुद आ बैल मुझे मार वाली परिधि में ढल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अमनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे KCR को राष्ट्रीय राजनेता बनने का सपना दिखाकर प्रशांत किशोर उनकी लंका लगाने पर तुल गए हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल KCR अपनी पार्टी को क्षेत्रीय राजनीति से निकालकर राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशांत किशोर उन्हें ऐसा करने के लिए लुभा रहे हैं। अब गाड़ी कहां जाकर रुकती है या ठुकती है या काल के गाल में छिपा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि TRS के स्थापना दिवस समारोह के दौरान पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राव ने खुद कहा कि TRS को रचनात्मक भूमिका निभाने और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शून्य को भरने की जरूरत है। TRS ने शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में देश में सकारात्मक बदलाव लाने का भी संकल्प लिया और फिर बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के बारे में टिप्पणियों के साथ भाजपा को निशाने पर भी लेने का मन बनाया, जिस पर वह शीघ्र ही काम प्रारंभ कर सकती है। इससे यह तो स्पष्ट है कि KCR TRS की उपस्थिति को राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं और अखिल भारतीय पार्टी बनाना चाहते हैं। इन सपनों को हवा देने बैठे हैं पीके, जिन्होंने न जाने कितनों को CM बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को दिखाया और उसकी एवज में अपनी संस्था IPEC का नाम बढ़ाया और बहुत कुछ कमाया। अब यह सपने की गाड़ी तेलंगाना पहुंच गई है, जहां KCR ने कुछ दिन पूर्व ही प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। रविवार को TRS ने इस संदर्भ में आधिकारिक पुष्टि के साथ कहा कि उसने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPEC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसे किशोर ने खुद ही स्थापित किया था। यूं तो राष्ट्रीय स्तर पर पैर पसारने वाले मुद्दे पर TRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने इस बात से किनारा किया कि प्रशांत किशोर का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, पीके IPEC के संस्थापक हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कौन चला रहा है। पीके ने हमें IPEC से परिचित कराया और यह हमारे साथ काम कर रहा है। ज्ञात हो कि पीके वो व्यक्ति हैं जो एक के बाद एक करके अनेकों नेताओं को विपक्षी चेहरा बनाने का प्रलोभन देते जा रहे हैं और यह सभी नेता उस जाल में फंसते भी जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के अतिरिक्त तीसरे मोर्चे के रूप में पीके अब तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे नेताओं को इस प्रलोभन को दिखा भी चुके हैं और बहुत कुछ हथिया भी चुके हैं और बहुत कुछ कमा भी चुके हैं। हाल के घटनाक्रमों से ऐसा लगता है कि अगला नंबर KCR का है, जो अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की दिशा में काम करने के लिए किशोर पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पीके के पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इस बार कुछ बड़ी अड़चने हैं। बता दें, TRS का ध्येय उसके अनुसार, जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट भी बताती है, उसमें लिखा हुआ है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिसे TRS पार्टी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 27 अप्रैल 2001 को कलवकुंतला चंद्रशेखर राव द्वारा की गई थी। TRS पार्टी का एकमात्र उद्देश्य तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा हासिल कराना था। इसके साथ तेलंगाना के लिए आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अडिग भावना, TRS पार्टी ने तेलंगाना के लिए राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए निरंतर आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब पार्टी का ध्येय ही तेलंगाना का गठन होना था और उसके बाद KCR उस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी बन गए, तो उनके क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं तो कब की पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में अब KCR राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, या पीके के PM मटेरियल वाला वो घोल है जो सभी नेताओं को पिलाते जा रहे हैं और यह नेता उसे संघर्ष स्वीकार करते हुए पीते जा रहे हैं, जैसे यही कल को PM बन जाएंगे। उन्हें शायद यह नहीं पता कि कथित राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की यह चालें सिर्फ अपने घर भरने और IPEC को सवारने के लिए की जा रही है। आपको बताते चलें कि पीके और KCR के बीच चल रहे इस गठजोड़ को स्नेक ऑयल से जोड़कर देखा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि स्नेक ऑयल एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल भ्रामक मार्केटिंग, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी या किसी घोटाले के लिए किया जाता है। इसी तरह स्नेक ऑयल सेल्समैन एक सामान्य अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कुछ बेकार या कपटपूर्ण इलाज उपाय या समाधान को बेचता है, बढ़ावा देता है या सामान्य प्रस्तावक है। प्रशांत किशोर के परिप्रेक्ष्य में भी ये सारी बातें एकदम से सटीक बैठती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर ने आखिरकार KCR को स्नेक ऑयल बेच ही दिया है।